गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सुबह सुबह ना पर्दे हटा देते हैं, बड़ी अच्छी धूप आती है यहाँ से। और वैसे भी थोड़ी सी धूप लगवानी ज़रूरी होती है। रूम को स्पेशली विंडोज़ भी ओपन कर देते हैं तो धूप आती है। और बाहर यहाँ पे तार लगाई हुई है, कपड़े जो है वो यहाँ पे गैलरी में डालते हैं। चलें जी नाश्ता बनाते हैं, देखती हूँ आज नाश्ते में किस चीज़ का दिल है। किचन में जाते हैं और देखते हैं आज क्या नाश्ता बनता है। पराठे लेकर आई थी मैं इम्तियाज से, तो सोच रही हूँ कि यही बना लूँ, देखती हूँ इनका टेस्ट कैसा है। और अम्मी अब्बू दोनों गए हुए हैं बैंक, नाश्ता बनाने लगी और वो बैंक गए हुए हैं, घर में कोई नहीं है, भाई गया हुआ है अपनी यूनिवर्सिटी। चले जी। अच्छा ये जो पराठा है ना इम्तियाज़ से जो मैं लेकर आई थी फ्रोज़न, तो ये वैसे तो अच्छा है लेकिन आप देखें इसमें ये जो ऑयल घी है ना ये काफ़ी ज़्यादा है, और घी डालते हैं वैसे, ऑयल तो नहीं होता। तो अब इसको टिश्यू से साफ़ करती हूँ और टेस्ट तो मैं आपको खा के बताऊँगी कि कैसा होता है। और साथ में बना रही हूँ कबाब, और ये है जी होल व्हीट का पराठा इम्तियाज़ से जो मैं लेकर आई थी। वैसे देखने में अच्छा लग रहा है, बस ऑयल ज़्यादा है, टिश्यू पेपर से निकालना पड़ेगा। तो ये पराठा आप जब भी बनाएं आपको घी ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके देखें बड़ा अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट लग रहा है। और ये जो इसकी क्या कहते हैं परत आती है ना, परतें आती हैं, ये भी बड़ी अच्छी खुल के अब निकल रही हैं। हल्की आँच पर मैं बना रही हूँ और चाय भी बन रही है। अकेले अकेले जी खाएंगे पियेंगे इन्जॉय करेंगे, क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बेडशीट्स चेंज करनी है, वो करती हूँ। और उसके साथ कपड़े जो है वो बराबर करने हैं, टेलर के पास जाना है, तो बस ये दो चार काम है करने हैं। तो चले मैं नाश्ता बना लूँ फिर चलते हैं रूम में। नाश्ता रेडी हो गया है और आज मैं खाऊंगी कबाब पराठा, बचपन का जो है ना मेरा फेवरेट है। ऐसे वो घर वाला पराठा खाते थे, ये वाला तो नहीं होता था, लेकिन चलें जी चलता है। चलें जी बेडशीट चेंज करें, नाश्ता हो गया और ये है जी रूम का हाल। और ये बेडशीट चेंज करने लगी हूँ, मेरा सामान बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है स्टिल यहाँ पे ना, सामान मेरा बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है हर जगह पे। और ये कपड़े जो मैंने श्रिंक किए थे अम्मी ने ये यहाँ पे ला के रख दिए, तो ये आज बराबर करूँगी टेलर के पास, आज देखती हूँ क्योंकि काफ़ी दूर है, टाइम हुआ तो चली जाऊँगी, ना हुआ तो फिर कल इंशाल्लाह। चलें जी मैं बेडशीट चेंज कर लूँ, उसको नीचे रख देते हैं, एक हाथ से काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जी बेडशीट्स चेंज हो गई हैं और मेरा अपना भी काफ़ी काम होता है जो सामान समेटने वाला होता है, अल्हम्दुलिल्लाह जी वो भी हो गया है और काफ़ी बिजी डे गुजरा। और उसके बाद ना अभी ये मैं आपको दिखाने के लिए आई हूँ, अम्मी बना रही हैं सोहना, इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि किस तरह आप बनाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि हमने अभी पैकेट्स बनाए हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर कर लूँ। लेकिन अभी बन रहा था तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, क्योंकि सब कह रहे थे कि आप किस तरह से बनाते हैं तो वो हमें ज़रूर दिखाइएगा, बहुत बहुत टेस्टी होता है। और जी यहाँ उस्मान जो है वो इंजॉय कर रहे हैं पास्ता, मेरी जो कज़न है ना बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। और हम दोनों जो होते थे ना, मतलब वो भी अपने घर की बड़ी थी, मैं भी बड़ी थी, तो हम दोनों शुरू से बहुत बचपन से कुकिंग करने लग गए थे, तो इसीलिए आप लोग मेरी कुकिंग इंजॉय करते हैं। तो वो भी माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। अम्मी अब्बू खा रहे हैं खाना और मैं खाऊंगी अपने दही भले, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है तो मैं ये खाने लगी हूँ। और ये देखें जी अम्मी का कहना है कि दही भले छोड़ के पहले सैलेड खाओ फिर दही भले खाओगी, और मेरा दिल चाह रहा है दही भले खाने का बहुत ज़्यादा, मुझे जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं। कल भी मैंने नहीं खाया तो ये मैं अभी खाऊँगी,
मीठी चटनी है, चाट मसाला है और इसके साथ है पापड़ी जो कि वहाँ पड़ी है, मैं लेके आती हूँ एक मिनट में ले आऊँ। और ये आ गई पापड़ी। अम्मी जो है ना वो आजकल खाना मुझे ज़्यादा बनाने नहीं दे रही हैं क्योंकि वो कहती हैं कि तुम रेस्ट करो, अपना सामान है, अपने काम है, उनको फिनिश करो, बाद में कर लेना काम, क्योंकि मेरा सामान जो है ना वो भी काफ़ी सारा बिखरा हुआ है। तो अम्मी कह रही हैं अपने चीज़ों को, अपने सामान को, अपने काम तुम कंप्लीट करो, खाना वाना फ़िलहाल छोड़ दो, बाद में बना लेना। वैसे भी मेरा जो दिल चाहता है अम्मी बना देती हैं और ख़ुद भी बनाती हैं, तो इस तरह से खाना आजकल नहीं बना रही। पता नहीं अब मज़े कर रही हूँ या क्या कर रही हूँ, पता नहीं। चलें दीदी बल्ले खाती हूँ मीठी चटनी डाल के, लंच मेरा आज का यही है। तो दही भल्ले मैंने खा लिए और ये जो है ना यहाँ पे मैं कपड़े श्रिंक कर रही हूँ क्योंकि ना इनको मैंने डालना है अब तार पे और उसके बाद ड्राई करके टेलर को देने हैं मैंने, तो बस यही बराबर करने में लगी हुई हूँ अब मैं कि इनको मैं ज़रा सेट कर लूँ। इसका गला बहुत प्यारा है, बड़ा लंबा सा प्यारा सा एम्ब्रॉयडर्ड गला बना हुआ है और इसकी शलवार जो है ना वो है डार्क ब्लू कलर की, पता नहीं यहाँ पे अब कलर कैसे आ रहा है, नेवी ब्लू कलर है। और ये जो है ना इसका कलर उतरता है, मैं डर रही थी, मैंने इसलिए इनको साथ नहीं डाला पानी में, लेकिन ये अब आप देखें ये बिल्कुल कलर नहीं उतरा, इसका मतलब है ये अच्छा। आई थिंक ये मैंने लिबर्टी से लिया था लाहौर से अभी जब गई थी। तो इसको श्रिंक करती हूँ फिर उसके बाद ड्राई करके कपड़े बराबर करती हूँ जी, फिर जाएंगे हम टेलर के पास। अब आज जाते हैं कल जाते हैं देखते हैं। मैं ना कपड़े श्रिंक कर रही थी और ये वाला मैंने अभी निकाला है ड्रेस और अब मैं देख रही थी कि इस पर कौन सी लेस ज़्यादा अच्छी लग रही है। डिज़ाइन तो मैं देखूंगी अभी, लेकिन ये मैं लेकर आई थी, मुझे अच्छी लगी थी तो कुछ मैंने ले ली थी। अब ना मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है, ये देखिए आप, मैं इस तरह से दिखाती हूँ, मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है कि मैं कौन सी वाली लेस लगाऊँ। आप लोग वैसे बताइएगा ये वाली ब्राउन वाली या ये वाली ब्लू सा इसमें कलर आ रहा है एक्वा सा, कौन सा लगाऊँ, सोच रही हूँ कन्फ्यूज़ होके। डिज़ाइन निकालती हूँ कोई अच्छा सा फिर देखती हूँ कौन सी लगाऊँ। और ये है एक और सूट शर्ट है, बल्कि हाडी से मैंने ली थी और कपड़ा इसका काफ़ी ज़्यादा मैंने लिया था, तो इसका ना मैं थोड़ा सा फ्रॉक टाइप का सिलवाने का सोच रही हूँ। इसके साथ मैंने ये वाली लेस निकाली है और इसके साथ मैंने जो डोरी होती है ना गोल्डन वाली वो लूँगी नीचे दामन पर लगवाने के लिए। और मैंने लास्ट टाइम भी कपड़े स्टिच कराए थे, अभी भी टेलर के पास मेरे कपड़े हैं। मैंने सोचा था इस बार मैं डिज़ाइनिंग की वीडियो शेयर करूँगी तो बस नहीं कर सकी, कोशिश करूँगी लेकिन अभी तक जो है ना मुझे प्रॉपर जगह ही नहीं मिल रही है कि मैं वीडियो बनाऊँ और आपके साथ प्रॉपर शेयर करूँ। तो खैर इसके ऊपर मैं सारा नोट कर रही हूँ कैसे बनाना है, किस तरह बनाना है, तो इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। 5 बज रहे हैं अभी और अम्मी ने ना नाश्ते में मेरे लिए बनाई थी सेवियाँ और मैं जो है वो खाना भूल गई थी, तो अभी अम्मी ने मुझे कहा है कि सेवियाँ जो है ना वो खाओ, मैंने गरम किया, उसके ऊपर मैं ढेर सारी शक्कर डालूंगी, मुझे शक्कर वाली बहुत अच्छी लगती है। और मेरी चाय गई, बच गई चाय, तो ये मैं खाऊंगी। और ये दूध वाली मुझे बचपन से बहुत पसंद है तो अम्मी ये स्पेशली मेरे लिए बनाती थी, बहुत अच्छी लगती है मुझे ये चाय के साथ जो है रात को खाना जो बनेगा। एडिटिंग करती हूँ, 5 बज रहे हैं, टाइम कम है, 8 बजे मेरा व्लॉग जाता है। बन गई थी चाय, चाय इज़ डन, मज़ेदार सी चाय बन गई है, तो चलें जी चाय पीते हैं, एडिटिंग कंप्लीट करूं मैं अपनी। मैंने व्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे ग्रॉसरी हॉल शेयर किया है अम्मी के घर का, कोशिश मैंने की कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, हमेशा अपने घर का शेयर करती हूं, इस बार मैंने अम्मी के घर का शेयर किया है, अम्मी के घर किस तरह से ग्रॉसरी होती है तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया, आप ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं ऊपर भी दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। अच्छा जी आज रात के खाने में अम्मी ने बनाई है बिरयानी, एक्चुअली ना काफ़ी दिन गुजर गए थे खाई नहीं और सबका आज दिल चाह रहा था, मेरा भी दिल चाह रहा था, तो हमने अम्मी को कहा कि आज बिरयानी बनाएं, बहुत बहुत टेस्टी बनी थी। और अम्मी जो है ना वो बॉयल्ड एग्स ज़रूर डालती हैं, बल्कि आज तो मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि अम्मी अंडे ज़्यादा डालना, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे भी मुझे एग्स काफ़ी अच्छे लगते हैं तो बिरयानी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं।
खैर हर एक की अपनी अपनी पसंद है, हमें तो बड़े अच्छे लगते हैं तो हम लोग तो इन्जॉय करते हैं। बाकी एक और बात ये कि कुकिंग इंशाल्लाह ताला मैं करूँगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपकी कुकिंग को बहुत मिस कर रहे हैं, इवन कि मैं व्लॉगर बर्ड किचन पे भी कुछ शेयर नहीं कर रही हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो रूटीन सेट होती है, और बस ये है कि मेरे ये जो जितना भी मतलब मेरे अपने घर का सामान बिखरा हुआ है ना, ये सारा मैं समेट लूँ। क्योंकि आप जब किसी और घर में शिफ्ट होते हो तो आपको पता होता है, आप फ़ौरन से सामान सेट कर लेते हो। मेरा केस थोड़ा सा डिफरेंट है तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ रहा है। मतलब मैं देख रही हूँ किस तरह मैनेज करूँ, कहाँ पे करूँ। अम्मी के घर भी इतनी जगह नहीं है तो बस ये थोड़े से ज़रा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इंशाल्लाह ताला सब सेट हो जाएगा बहुत जल्दी, फिर मैं आपके साथ ज़रूर ज़रूर अपनी कुकिंग प्रॉपर शेयर करूँगी, क्योंकि मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ। तो वीडियो का मैं एंड करती हूँ। और हाँ, मैंने क्या चीज़ें ली थी इम्तियाज़ से, जो थोड़ी बहुत कॉस्मेटिक्स ली थी वो मैं कोशिश करूँगी कल आपके साथ मैं शेयर कर लूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, आबाद रहिए, हम लोग बिरयानी इंजॉय करते हैं, आप लोग भी बनाइए, संडे है, इंजॉय कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहा करें जी, खुशियाँ बांटा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।